नमस्कार देशवासियों, आज 27 जुलाई आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। आज उनकी स्मृति में संरक्षण NGO की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज जो जनकपुरी में स्थित है वहाँ एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया। उसके साथ ही भारती कॉलेज की छात्राओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हुए इस बात की शपथ ली कि वो पर्यावरण को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगी और छात्राओं ने इस बात की शपथ भी ली कि वो व्यर्थ में पानी की बर्बादी नहीं करेंगी। साथ ही सभी छात्राओं ने इस बात का संकल्प भी लिया कि दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वे इस बात की शपथ लेती हैं कि वे अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक या उससे अधिक पौधों लगाएंगी और उसकी 4 वर्ष तक देखभाल करेंगी। आज डॉक्टर कलाम की स्मृति दिवस के अवसर पर हमें ये लगा कि डॉक्टर कलाम का इस भारत की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए जो उनका योगदान है वो भारत देश कभी भी भुला नहीं सकता है। उन्हें पूरी दुनिया के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाना चाहता है। आज भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी जो मिसाइल्स हैं वो सब डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही हिंदुस्तान में ने इन्वेंट करी। और एक बात को यहाँ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि पोखरण में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी था, उसके पीछे भी डॉक्टर कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। अपने सादा जीवन और उच्च विचार के लिए हर भारतवासी उनकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही इज्जत दिल से करता है और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद।